विद्वान श्री संजीव बाबू जयपुर के सानिध्य में हमारे महापर्व काफी मंगलमय रहे, इसके लिए सारी सभा बधाई की पात्र। आज वे चले गए हैं किशनगढ़ और महापर्व का भी कल समापन हो गया। महापर्व में हमने इस विश्व का एकमात्र मूल्यवान तत्व हमारा जो शुद्ध चैतन्य है उसकी चर्चा सुनी, उस पर चिंतन किया, उसके स्वरूप को जाना और उसकी मंगलमय आनंद प्रदायी अनुभूति का भी प्रयत्न किया। नहीं किया हो तो महापर्व तो चले गए, लेकिन उसकी मांगलिक अनुभूति के लिए हमारा जो शेष जीवन है वो हमको पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। अवसर चला नहीं गया है, जितना शेष जीवन है उसका एक एक क्षण महापर्व का जो प्रदेय है, जो दान है शुद्धात्मा, अर्थात हम स्वयं उससे परिचय करने के लिए, उसकी प्राप्ति मन उससे परिचय करने के लिए हमारे शेष जीवन का एक एक क्षण समर्पित होना चाहिए। शेष कोई कार्य विश्व में न आज तक हुआ है हमारे द्वारा और न कभी होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आत्मा से आत्मा के द्वारा कुछ हो सकता है तो केवल एक बात कि वह आत्मा अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल अपना परिचय कर ले। इसके अतिरिक्त और ये जो इतना बड़ा षड्द्रव्यात्मक विश्व पड़ा है, उस विश्व में हमारे लिए न तो आज तक कोई काम रहा और न भविष्य में होगा। ये बहुत महत्व की है बात सुनने की। आत्मा यदि कर सकता है कुछ
तो वह केवल दो ही काम कर सकता है, या तो अपने को न समझे और न समझकर मोह राग द्वेष करे, अथवा अपने को समझकर मोह राग द्वेष को समाप्त करके शुद्ध आनंद का अमृत पिए। ये दो ही काम कर सकता है। और तीसरा काम आत्मा के पास नहीं है। सच्चाई से देखा जाए तो यह काम कितना सरल, कितना हल्का, कितना सुंदर और कितना सब कुछ प्रदाता, सब कुछ देने वाला, जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता आत्मा के लिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व आत्मा के लिए बिल्कुल खाली है। वहां से उसे कुछ मिलने वाला नहीं और न आत्मा उस विश्व को कुछ देने वाला है, कुछ नहीं है। ऐसा जानकर जो होने योग्य कार्य है वही तो करना चाहिए न। जो कार्य कठिन नहीं लेकिन असंभव है, कठिन कार्य तो हो जाते हैं, अनुभूति कठिन है तो वो तो हो जाती है, क्योंकि वो हमारे वश की चीज है, हमारी है। लेकिन विश्व का, जगत का कोई काम जिसके संबंध में हमारी धारणाएं, हमारी श्रद्धा ये रही, ये काम मैंने, इतने इतने काम मेरे जीवन में किए हैं, वो बात धोखा है, अपने आप को ठगना है, चीटिंग है अपने साथ। आत्मा ये कहकर, ये मानकर अपने साथ चीटिंग करता है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम विश्व में किए हैं। आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि तू अपनी सीमा से बाहर निकलता ही नहीं, हर पदार्थ की जगत में, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन, उसकी अपनी टेरिटरी है, उसका अपना साम्राज्य है, वो उससे बाहर निकलता नहीं और उसी में रहकर निरंतर शांत प्रशांत अपना काम किया करता है। जब ऐसी इस विश्व की अत्यंत सुंदर व्यवस्था है, जब यह विश्व छह द्रव्यों की, अथवा छह द्रव्यों को विस्तार से कहा जाए तो अनंतानंत सदस्यों की, नागरिकों की एक नगरी है। हम कौन हैं इस विश्व के? समझदार नागरिक हैं, आत्मा ज्ञान वाला है ना, और तो ज्ञान वाले नहीं हैं। जो ज्ञान वाले नहीं हैं वो ऊधम नहीं करते, और जो ज्ञान वाला है वो व्यर्थ ऊधम करता है, उद्यम नहीं करता, ऊधम करता है, झगड़ा करता है, विसंवाद करता है, लेकिन उसका फल जैसे यहां नगर में कोई
नागरिकता के नियमों को तोड़कर और कोई ऐसा दुष्कर्म करे तो वह निश्चित रूप में दंडित होता है। यही स्थिति आत्मा के संबंध में रही। समझदार होकर भी ना समझ बना, समझ को भी समझदार होना चाहिए। समझ तो है आत्मा में, लेकिन वो समझ समझदार नहीं है। कुछ का कुछ मानती है, कुछ का कुछ जानती है। ऐसी समझ की बात 10 दिन तक हमने सुनी, चित्त आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ, सब कुछ हुआ। और अब उसके बाद, उसके समापन के बाद आज का जो दिवस है वो क्षमावाणी पर्व कहलाता है। क्षमावाणी विश्व मैत्री दिवस कहते हैं लोग। क्षमावाणी पर्व, विश्व मैत्री दिवस अथवा डे ऑफ यूनिवर्सल फॉरगिवनेस, विश्व मैत्री दिवस, डे ऑफ यूनिवर्सल फॉरगिवनेस, ये जिसमें कोई जीव बचा नहीं जिस क्षमा की परिधि में, ऐसी व्यापक क्षमा सारे विश्व में व्यापक, सारे विश्व के प्राणियों में, ऐसा एक अद्भुत दिन आज का माना जाता है। और वो है वास्तव में देखें तो क्षमावाणी, क्षमा दस लक्षण पर्व का प्रारंभ क्षमा से हुआ, हुआ ना? पहला धर्म कौन सा है? तो क्षमा से हमारे पर्व का प्रारंभ हुआ और क्षमा से ही उस पर्व का समापन हो रहा है। आज अंतिम क्षमा ही है ना? क्षमा ली और धर्म नहीं लिया ना? क्षमा से प्रारंभ हुआ और क्षमा में ही उसका परिवसान किया। दूसरा धर्म तो नहीं लिया कि ब्रह्मचर्य लिया हो, संयम लिया हो, तप लिया हो, त्याग लिया हो, कुछ नहीं। क्षमा, इसका अर्थ यह है क्षमा कोई बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। क्षमा का भी, उसकी जो गहराई है वो तो सागर जैसी है। हमने उसका स्वरूप चाहे कैसा ही माना हो, कैसा ही जाना हो, लेकिन क्षमा का स्वरूप बड़ा अद्भुत और बहुत गहरा है। अपराध हमारा क्या है? हमने जीवों को बहुत सताया, बहुत पीड़ा दी, बहुत दुष्कर्म किए। जीवों को बहुत सताया, बहुत पीड़ा दी, यह है अपराध। सचमुच तो इस विश्व में एक जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव को बचाने अथवा पीड़ा देने का विधान नहीं। ऐसा होने पर भी विधान ऐसा विधान होने पर भी
इस अज्ञानी जीव ने उस विधान को तोड़ने का प्रयत्न करके दूसरे जीवों को मैं सताता हूँ, पीड़ा देता हूँ अथवा रक्षा करता हूँ ऐसा मानकर और नाना प्रकार के महा पाप परिणाम किए, पुण्य रूप परिणाम भी किए हों तो उनकी भी कीमत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप जो मिथ्या दर्शन है, मैं पीड़ा देता हूँ, बचाता हूँ और मारता हूँ, वो साथ पड़ा है, इसलिए धर्म तो होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा मानते हुए इस जीव ने किसी को सताए बिना, कष्ट दिए बिना, कष्ट देते हैं ऐसा जो कहा जाता है रात और दिन, हम भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं, ऐसा जो रात दिन कहते हैं उस कहने का नाम क्या है? क्या सुना हमने 10 दिन में? व्यवहार में कहते हैं वो बात कही जाती है वास्तविक नहीं है, निमित्त की अपेक्षा वो बात कही जाती है, कहना भी चाहिए लेकिन मानना महा अपराध है, इसलिए मानते नहीं। अनंत जीव हैं जगत में, अनंत ही जीवों के लिए हमारे परिणाम कष्टों के, पीड़ा के, दुख के बने हैं, हमारे परिणाम बने, काम नहीं किया है लेकिन हमारे परिणामों में पीड़ा देने का, कष्ट देने का भाव निरंतर पैदा होता रहा। इस प्रकार का एक विश्वव्यापी अपराध रोजाना चला है, नित्य चलता है। क्या क्या करते हैं हम? कितना पानी काम में लेते हैं रोजाना? खूब है यहाँ तो पानी, जब पानी बहुत है तो कसर क्या? कहते हैं तेरा क्या है उसमें, इसलिए ऐसी स्वच्छंदता का जो पाप है उसको तुरंत परित्याग करो। काम में लेने की बात, वो भी व्यवहार, क्योंकि किसी दूसरी वस्तु को आत्मा छूता तक नहीं और दूसरी वस्तु आत्मा को नहीं छूती, इतना होने पर भी यह जो विकल्प रात और दिन जगत के पदार्थों के प्रति पैदा होते हैं रागात्मक अथवा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र के विकल्प, ये विकल्प हैं अपराध वास्तव में, और इन विकल्पों का अभाव हो तो उत्तम क्षमा होती है। यह क्षमा का अभाव रूप जो अधर्म है, पाप है, वो भी भीतर पैदा हुआ, बाहर नहीं, और बाहर उससे एक तिनका भी नहीं हिला, कुछ नहीं हुआ। कोई किसी के को सताने के लिए अथवा उसका वध करने के लिए कितने ही प्रयत्न करे जीवन भर, लेकिन वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका जीवन उसके हाथ में नहीं, उसकी आयु के हाथ में है, इसलिए व्यर्थ प्रयत्न करता है, कष्ट पाता है, दुख पाता है। इसलिए क्षमा में हम जो कर लिया करते हैं क्षमा का स्वरूप न समझकर, प्रथम तो ये तो व्यवहार क्षमा हुई, उत्तम क्षमा है वास्तविक क्षमा,
ये तो क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए, ज्यादा करे तो कुछ कह दे, मैंने आपके मेरे उस दिन झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, गाली गलौच हो गया था, इत्यादि इत्यादि। ऐसा करके क्षमा मांग ले तो हमारा अपराध क्षम्य हो गया, ऐसा नहीं मान लेना। इतने मात्र से अपराध क्षमा हो जाए तो नरक और निगूत की जरूरत ना रहे, तो फिर नहीं करें। कहते हैं वो तो करना ही चाहिए और वो तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारी जो भूमिका है विकल्पों की, उन विकल्पों की भूमिका में इस प्रकार के कोमल भाव, दस लक्षण के बाद इस प्रकार के नरम भाव आते ही आते हैं, और उसमें मुझे क्षमा कीजिए ऐसा कहना वह बहुत आवश्यक है। भले ही उससे कोई क्षमा का समाधान नहीं होता, अपराध का समाधान नहीं होता, लेकिन तो भी चित्त की जो कोमलता है, उस चित्त की कोमलता के ये उद्गार हैं कि हमने दस लक्षण में ये पाया है और हमारा चित्त इतना कोमल हुआ है, इसलिए मैं आपसे अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूं। सबसे तो क्षमा नहीं, जगत तो बहुत बड़ा है ना, और जीव अनंत हैं, अब अनंत से क्षमा कैसे मांगेंगे। वह पानी जो हम अनर्गल रोजाना बहाते हैं, उस पानी से क्षमा कैसे मांगेंगे। उसमें अनंत जीव हैं या नहीं, तो कैसे क्षमा मांगेंगे। कहते क्षमा मांग भी लें कि सारे जीव, खम्मामि सर्वे जीवा, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मैत्री में सर्वभूयेषु वैर मध्यम न केण ही, ये कह दिया। सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबके प्रति मेरी मैत्री है, मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, हो गया काम। कहते कहीं हो जाता हो, मान लिया जाता हो, लेकिन दिगंबर जैन धर्म में तो नहीं हुआ। बात बहुत गहरी है, क्षमा कोई गहरा तत्व है। इसलिए ये जो औपचारिकताएं हैं, प्रारंभ की औपचारिकताएं, अब दस लक्षण के बाद लोग चिट्ठियां लिखेंगे ना, चिट्ठियां लिखेंगे, उसमें सच्ची सच्ची बात लिखेंगे, झूठी भी लिखेंगे। सच्ची बात, हमने दस लक्षण पर बहुत आराधना से मनाए, अरे आराधना से मनाए तेरे आत्म दर्शन का, तेरे सम्यक दर्शन का तो अभी ठिकाना ही नहीं है, उसके बिना तो क्षमा होती नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही नहीं जानता है। ये वास्तव में मानता है कि मैंने अगर किसी से क्षमा मांगी और उसने कह दिया मैं आपको क्षमा करता हूं, तो मेरा अपराध खत्म हो गया। तो ये बात तत्वज्ञान रूप सम्यक दर्शन के बिना नहीं जानी जा सकती। कहते हैं भैया नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, तुझे नरक जाना ही होगा, इसलिए उसके बिना वास्तव में नहीं होता है। लेकिन ये जो औपचारिकताएं हैं, प्रथम तो घर से प्रारंभ होनी चाहिए, क्यों रोजाना काम तो वहां पड़ता है, तो घर से प्रारंभ होनी चाहिए। और यह जो क्षमा याचना की जो एक वृत्ति है, यह जो पर्याय पैदा होती है, तो यह तो
हमारे भीतर पड़ी ही रहना चाहिए, स्टॉक में ही जैसे पड़ी ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अपराध हमसे निरंतर होते हैं। इसलिए परिवार में भी यदि कोई किसी से कोई अपराध हो, कोई गलती हो, तो तुरंत ही क्षमा याचना का बोल, क्षमा याचना की वाणी तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलती है तो वह व्यक्ति दुष्ट है। ये तो व्यवहार की बात चलती है, व्यवहार क्षमा की। अरे उसके परिवार में भी अपराध करता है, रात और दिन गलतियां होती हैं, और उन अपराध के होते ही मुझे क्षमा करना बहन, ऐ माँ ऐ पिता मुझे क्षमा कीजिए, पिता भी हो तो बच्चे से, भैया मेरे से ऐसा अपराध हो गया, पत्नी हो तो पत्नी से, पत्नी के द्वारा पति से, जिनके बीच में रहते हैं, रात और दिन बोलना पड़ता है, वाणी निकलती है, कार्य होते हैं तरह तरह के, उनमें यदि हमारे भीतर चित्त में कोमलता स्थायी नहीं हुई, दस लक्षण को पाकर, दस लक्षण जैसे जैसी महाविभूति वैभव है वो दस लक्षण, उसको पाकर यदि हमारी चित्तवृत्ति कोमल नहीं हुई सदा के लिए, तो चित्तवृत्ति कोमल नहीं हुई और परिवार में भी अगर उसका व्यवहार नहीं होता है तो दूसरे जीवों के प्रति हम क्या करेंगे, कहाँ कोमलता होगी और कहाँ क्षमा होगी दूसरे जीवों के प्रति। इसलिए दस लक्षण को पाकर चित्त में इतनी स्थायी विशुद्धि, दस धर्म है ना, उन दस धर्मों में आया या नहीं आया, उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ये भव सुख पर भव, ये भव सुख पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेदन आनो, ये सब आया ना, एक एक धर्म का आया ना, उस सब क्या है वो कि केवल एक बात कि वो दसों ही धर्मों का जो व्यवहार है, ये व्यवहार है सारा, उस व्यवहार से हमारी चित्तवृत्ति सदा के लिए कोमल हो जाए, नरम हो जाए, इतनी नरम हो जाए कि मानो उसमें राग और द्वेष रहे ही नहीं, ऐसा लगे, रहेंगे तो सही जब तक वितराग नहीं होगा, लेकिन इतनी चित्तवृत्ति कोमल हो जाए कि उसमें किसी की कड़वी बात सुनकर कड़वी न लगे और तत्वज्ञान के द्वारा तुरंत उसका समाधान करे, इतनी विशुद्ध हो जाए। हम लोग तो, अरे हमें तो दिगंबर जैन धर्म जैसा ये पारस मिला है, पारस, कोई अनूठी चीज मिली है, तो धन्य है हम लोग, वास्तव में देखा जाए कि धन्य है, लेकिन धन्य मानते नहीं हम। हम तो धन्य मानते हैं सोने का डला मिल जाए, कोई सोने के 10-5 किलो के आभूषण घर में पड़े हों तो हाँ, अपने कोई कमी नहीं। अरे तेरे तो सारी कमी है, तू तो दरिद्री है दरिद्री, इसमें तेरा क्या है, इस मिट्टी में तेरा क्या है, इस धूल में तेरा क्या है, दरिद्री है तू तो। तेरे पास अपना जो वैभव है, अनंत वैभव, शुद्ध चैतन्य के पास जो स्थाई पड़ा है,
ध्रुव पड़ा है जिसका कभी नाश होता नहीं, ऐसा जो ध्रुव पड़ा है, ये बात श्रद्धा करने की, ज्ञान के द्वारा श्रद्धा करने, ज्ञान में सत्य जानकर, परम सत्य जानकर और श्रद्धा करने की, सचमुच मेरा चैतन्य महान समृद्धिशाली और वैभवशाली है। क्योंकि जगत के पास अगर वैभव है तो मेरे पास क्यों ना हो, मेरे पास मेरे लायक होगा। एक फूल है, फूल बाग में और उसकी सुगंध उड़ रही है, तो फूल में से क्या उड़ेगी, सुगंध ही उड़ेगी ना। हम ये चाहें कि इस फूल में से सुगंध के बजाय कोई सोने का 5 तोले का हार निकल पड़े तो वो निकलेगा, तो फिर आत्मा से हम ये चाहें, सोना चांदी और जवाहरात ये आत्मा से मिलेगा? अरे आत्मा अमूर्त है तो उसके पास अमूर्त वैभव है, वो सुगंध दिखाई देती है नहीं देती, फिर भी कितना हमको महत्व उसका आता है। इसी तरह आत्मा का वैभव वो तो ज्ञान से दिखाई देता है, ज्ञान के द्वारा वो अनुभव में, वो सुगंध किसके द्वारा अनुभव में आई, आंखों से सुगंध आंखों से अनुभव में आई तो किससे अनुभव में आई, ज्ञान नाक के निमित्त से जो ज्ञान होता है उससे उसका अनुभव हुआ। उसी तरह हमारे पास जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है उनके द्वारा चैतन्य के वैभव का स्पष्ट अनुभव होता है, और तब ये जानता है अरे मैं तो इस विश्व का सबसे बड़ा वैभवशाली समृद्धिशाली तत्व हूँ, लोक में सबसे अधिक समृद्धि और सबसे अधिक सौंदर्य वो भी मेरे पास ही है, मैं बदसूरत नहीं। ये बदसूरत तो ये मैंने जानबूझकर अपने शकल पर मोह राग द्वेष का की काली मां पोती, जानबूझकर इसलिए बदसूरत दिखाई देता हूँ, वास्तव में मैं तो महा सुंदर जगत का सौंदर्य हूँ, वर्ल्ड ब्यूटी हूँ, विश्व का सौंदर्य। इतना सम्मान, इतनी महिमा आत्मा की हो तो क्षमा धर्म का जन्म हो सकता है? तो ये जो क्षमा मांगने की जो वृत्ति है, जैसे आज करेंगे ना लोग, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, प्रतिक्रमण पढ़ेंगे, प्रत्याख्यान पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे, सब कहते हो तो होना ही चाहिए। इतना भाव आता है ना कि हम क्षमा मांगे तो वो तो होना ही चाहिए, वो कोई बंद करने की बात नहीं कही जा रही, लेकिन वहां अटकने की बात भी नहीं, वो वास्तविक क्षमा नहीं, वो तो क्षमा का केवल स्थूल व्यवहार है, क्षमा का स्थूल व्यवहार। क्षमा वास्तव में महापुरुषों ने कहा है कि वह तो वीरों का आभूषण है, क्षमा वीरस्य भूषणम्, वो तो वीरों का आभूषण है। किसके पास रहती है क्षमा? कोई हजारों गालियां दे और इसके भीतर उसके संबंध में ये विकल्प भी पैदा न हो कि इसने मुझे गाली दी तो कौन वीर हुआ, किसकी शक्ति ज्यादा, गाली देने वाले की, मारने वाले की, पीटने वाले की, या जिसने ये जाना कि कुछ हुआ ही नहीं, क्यों बेचारे पर अपन, क्यों बेचारे के संबंध में अपन ये विकल्प भी करें कि इसने मेरा कितना नुकसान, कितना बुरा कर दिया, कितनी मेरी इज्जत खराब कर दी, इस बेचारे के प्रति अपन ऐसा क्यों करें? अपना कुछ हुआ ही नहीं ना, टटोल कर तो देखो, देखो सारे चैतन्य को टटोल कर, एक एक चप्पा चप्पा,
एक एक प्रदेश प्रदेश टटोल कर देखो कि किसी ने कुछ किया है तो कुछ हुआ है क्या। अगर नहीं हुआ तो फिर विचार करने की, विचार करने में भी समय का नाश क्यों करते हो, अनमोल समय का। जो समय चैतन्य के चिंतन में और अनुभव में जाना चाहिए उसको हम उस निरपराध के संबंध में विचार करने में समाप्त कर रहे हैं, उसमें नष्ट कर रहे हैं। निरपराध गालियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है और निरपराध कहते मेरे अपराधी हो भले ही वो अपने स्वयं के भीतर भले अपराधी हो, क्योंकि आत्मा का ऐसा कर्म ऐसा कर्तव्य नहीं है। इस रूप में भले ही अपराधी हो लेकिन मेरे लिए वो अपराधी नहीं। जगत में कोई अपराधी नहीं कि जिसने आज तक मेरा नुकसान किया हो, और जगत में ऐसा कोई निरपराधी नहीं कि जिसने मेरे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया हो, है ही नहीं ऐसा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये व्यवहार, इस व्यवहार की बात पहले करें कि ये व्यवहार कि जिसमें चित्त की भूमि बिल्कुल मौम बन गई है, मौम, जरा सी बात जरा सी गलती होते ही जैसे वो पिघलता है हृदय और पिघल कर कहता है मुझे क्षमा करना, भविष्य में यह अपराध यह गलती नहीं होगी, ये भी साथ में हो, और यदि होना है तो मैं प्रयत्न करूंगा कि न हो। जिसने ऐसा जाना उसको किसके प्रति राग और द्वेष, किसके प्रति राग और द्वेष। जब जगत से हमारा कोई हानि और लाभ नहीं होता, जगत में जब कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं है तो फिर किसके प्रति राग और किसके प्रति द्वेष। आचार्यों ने यह बात बहुत ही गौरवपूर्वक चैतन्य को कही, अरे जब विश्व में तू तत्व ही ऐसा है, ऐसा वज्र तत्व है तू, तेरा जो बंगला है वो बंगला तो रत्नों की राशियों से भरा हुआ है, रत्नों की राशियों से, इतना वैभवशाली तू तत्व है और वो बंगला वज्रमय है, उसमें किसी का प्रवेश आज तक हुआ नहीं। जब ऐसा है वस्तु व्यवस्था ऐसी है, तू तत्व ऐसा ऐसा अनुपम तत्व है, ऐसा अनूठा तत्व है तू इस विश्व में, तब तू ये विकल्प क्यों करता है कि मेरा ऐसा हो गया। तू बना ही ऐसा हुआ है, हमने थोड़ी बनाया है, तू अनादि से ही ऐसा बना हुआ है कि तेरे में एक निशान भी नहीं हो सकता। महायुद्ध हो और परमाणु बम चल रहे हो, तेरे निशान भी नहीं होगा। ऐसा चैतन्य तू है, ऐसा जिसने जाना उसने संपूर्ण राग और द्वेष का वमन कर दिया। बोले अब किसके प्रति राग करेगा। बड़े गौर से क्या कही आचार्य ने बात, अरे जब तेरे को कोई लाभ और हानि नहीं, कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं, साधक और बाधक नहीं, तो फिर राग और द्वेष की गुंजाइश कहां है, हमको बता तू किसके प्रति राग और द्वेष करे, कहां है गुंजाइश। ये तो सारा का सारा अज्ञानियों का व्यापार है, जो ये माना करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, कि होता कुछ नहीं है। इस प्रकार ये व्यवहार क्षमा का रूप, ये तो हमारी चित्त की विशुद्ध भूमि में प्रति समय विद्यमान रहना चाहिए। करते हैं आज तक किए कितने 10 लक्षण बिताए, कितने बिताए, मैं तो 80 बरस का हो गया तो 80 बीत गए नहीं, 10 लक्षण बीते ना, तो इतने 10 लक्षण बीते
तो भी चित्त में विशुद्धि पैदा नहीं हुई। अरे सम्यक दर्शन तो वहां लंदन गया, वो तो अमेरिका गया, वो तो विदेश चला गया, गुफा में चला गया, लेकिन विशुद्धि पैदा नहीं हुई। हम जितने मुमुक्षु यहां बैठे हैं, क्या हम याद कर सकते हैं वर्ष में इस बात को कि मुझसे ये गलती हुई थी और मैंने उससे क्षमा मांगी? क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे मंडल में? और तो जाने दें दुनिया को जो इस बात को समझते ही नहीं, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अरे नहीं हुआ तो हमारा पर्व कहां मना, कि कहां मना हमारा पर्व? हम तो उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, सफाई पेश करते हैं, झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। अरे सफाई की कहां जरूरत है जब, अरे तेरी जो गलती है और अपराध है उसका यदि किसी दूसरे को पता भी न चले, लेकिन तेरे को तो पता है ना कि नहीं है, नहीं है। एक झूठ बोलने वाला ये जानता है कि सच्चाई क्या है, और जाने न जाने, और उसकी झूठ को ही भले ही सत्य मान ले, लेकिन झूठ बोलने वाला जानता है इस बात को कि सत्य क्या है, उसका नाम वो कुछ और बता रहा हो तो वो जानता है नहीं कि मेरा असली नाम क्या है। तो हम अपने अपराध को यदि कोई दूसरा न भी जान सके तो भी हम अपने अपराध को का हमें पता लग गया हो, गलती का पता लग गया हो, तो तुरंत उसको कहना चाहिए मेरे परिणाम आपके प्रति इस प्रकार के हुए, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। ये तो विशुद्ध भाव है, केवल पुण्य भाव, वास्तविक क्षमा नहीं। ऐसे क्षमा मांगने से क्षमा हो जाता हो तो फिर पुण्य और पाप का यही फैसला हो जाएगा सारा, फिर चार गतियों की जरूरत नहीं रहेगी, सारा फैसला यही हो जाएगा ना। उसने दे दी और हमने ले ली, हमने दे दी उसने ले ली, करते हैं हम, करते हैं, किया है किसी ने क्षमा मांगी है परस्पर यहां? अरे साहब अपराधी नहीं होता क्या क्षमा मांगे? अरे अपराध तो पद पद पर है, पद पद पर अपराध है, बहुत गलतियां हम करते हैं। मुमुक्षु मंडल कोई सामान्य नाम नहीं है, उसका दायित्व बहुत है। मुमुक्षु मंडल हो, वीरवंता संघ हो, ये सब सारे ही जो गुरुदेव के अनुयायी हैं, अरे इनमें ये वृत्ति पनप जानी चाहिए, सफाई पेश न करें। हमारा हृदय बोलता है कि वास्तव में गलती हुई है तो तुरंत हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए, हमारी वाणी बिल्कुल मिश्री हो जाए, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, भविष्य में नहीं करूंगा। ये तो व्यवहार क्षमा हुई जिसमें पुण्य बंद हुआ खाली, वास्तविक क्षमा तो जब तक आत्मदर्शन नहीं होता और यह नहीं जाना जाता कि जो चैतन्य है वो तो सदा से ही परम शुद्ध तत्व है, परम रमणीक तत्व है, अरे वो तो सुरभित वाटिका है, उसमें तो सब जगह चंदन ही चंदन के वृक्ष लगे हैं, सौरभ फूट रही है, ऐसा मेरा चैतन्य है। और उसका कभी आज तक कोई बिगाड़ नहीं हुआ और कोई उसमें सुधार कर नहीं सकता, इतना संपूर्ण, इतना पूर्ण, पूर्ण वैभवशाली, परम शांत, परम प्रशांत महासागर की तरह, ऐसा मेरा चैतन्य अर्थात मैं हूं, ऐसा जिसने जाना उसे अपराध ही नहीं होता, उसका नाम सम्यक दर्शन।
उस चैतन्य को जिसने श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा शुद्धोपयोग के द्वारा ध्यान में आत्मा की अनुभूति होती, धर्म ध्यान में पहली जो अनुभूति होती है धर्म ध्यान में होती। ध्यान करते हैं ना लोग, वो ध्यान है वो? अरे ठगी है ठगी, ठगी में मत आना, विपश्यना और दूसरे भी नाम है। जब तक ध्येय का पता न लगे किसका ध्यान करना है तब तक किसका ध्यान होगा? जब ध्येय का ही पता नहीं, शुद्ध चैतन्य के स्वरूप का ही पता नहीं, तो कौन सा विपश्यना ध्यान होगा? देखे जाओ राग द्वेष क्रोधमान माया लोभ जो चलते हैं उनको देख, विपश्यना मैंने देखना, देखे जाओ उनको, देखे जाओ और रोते जाओ। लेकिन सचमुच इस क्षमा को उत्तम क्षमा बनाने के लिए शुद्ध चैतन्य जो क्षमाशील है, क्षमाशील कैसे है, इतने उथल पुथल सारी पृथ्वी पर होते प्रलय होता है और होते, तूफान आते सब होते हैं ना। आत्मा का क्या होता है? आत्मा में उस शुद्ध आत्मा में कोई विकल्प उठता है? अरे तूफान आ गया, ओहो तूफान आ गया, बहुत प्रलय हो गया, उस आत्मा में होता है कुछ नहीं होता। तो वो तो ज्यों का त्यों हिलता ही नहीं होता, उसमें तो जरा भी परिवर्तन, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसको क्षमा कहते हैं, उस आत्मा को, और क्षमा पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी पर अगर किसी ने अंगारे डाल दिए तो रोने लगी? नहीं रोई। और किसी ने महान शीतल पानी, बर्फों की शिलाएं बिछा दी तो हंसने लगी? तो आत्मा कैसा है कि जगत में कुछ भी हो, रत्नकरण में आया है एक जगह कि काले कल्प शते थी च गते शिवा नाम ने विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् च त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। तीन लोक में उत्पात मचाने वाला उपद्रव भी यदि हो जाए तो भी सिद्धों के ज्ञान में विक्रिया नहीं देखी जाती। तीन लोक में उत्पात मचाने वाला, ऐसा उत्पात हो जाए, ऐसा उपद्रव हो जाए तो भी चैतन्य तो सदा ही वही का वही, अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं कुछ। जैसे वरदान किसी ऋषि का होता है, वरदान किसी का हो तो जिसको वरदान मिल गया, वरदान सच्चा है तो उसको कभी भय होगा? अरे कहीं मर नहीं जाए, कि मर नहीं जाए कहीं, अरे कहां मर, कहते हैं मेरे को तो वरदान है, कहां मौत। इसलिए क्षमा को उत्तम बनाए, ये तो ये जो विशुद्धि की क्षमा है, व्यवहार क्षमा, वो व्यवहार क्षमा तो पहले हो ही हो। अरे जिनेन्द्र के जिनालय में आकर अब साक्षात भगवान जिनेन्द्र का मुंह देखकर परम शांत परम प्रशांत वितरा, जिसमें न राग न द्वेष, और वो मुंह देखकर हमारा चित्त, हमारे चित्त में ये विशुद्धि पैदा ना हो तो हम जैसा कठोर निर्दय प्राणी कौन होगा? विश्व ये निर्दयता, ये हिंसा है, चित्त ही नहीं हिलता लोग किसी का, किसी के चित्त में, अरे होगा होगा, दया का परिणाम ही नहीं आता,
दया के परिणाम से चित्त में विशुद्धि होती है, भक्ति के परिणाम से चित्त में विशुद्धि होती है, और वो विशुद्धि स्थायी हो, आई गई नहीं हो, वो विशुद्धि स्थायी रहेगी तो उस विशुद्धि में श्री गुरु के द्वारा चैतन्य का स्वरूप जानकर हम अपने श्रुत ज्ञान को चैतन्य के निकट ले जाकर उसका दर्शन कर लेंगे। उसका नाम सम्यक दर्शन अर्थात उत्तम क्षमा, वो उत्तम क्षमा कहलाती। तो उसके बिना कहां होगा। यहां तो अगर पाप छोड़ दिया तो पुण्य में जा अटका कि पुण्य में जा अटका। इसलिए सचमुच तो जो महान जो वास्तविक उत्तम क्षमा है, मैंने जिस उत्तम क्षमा में मात्रा बहुत है शांति की, तो ऐसी उत्तम क्षमा तो मुनिराजों को होती। लेकिन उसके पहले हमको क्षमा ही ना हो ये बात भूल जाना चाहिए। हम भी उस चैतन्य का दर्शन करके, वो तो क्षमा स्वरूप ही है चैतन्य, तो वो मैं हूं ना, तो मैं हुआ ना क्षमा स्वरूप। इस तरह अपने आप को क्षमा स्वरूप राग द्वेष रहित पुण्य पाप रहित सर्व विकार रहित जानकर जिसने उसका अनुभव किया उसको उत्तम क्षमा का प्रारंभ हो गया। गृहस्थ हो, अरे उस मेंढक को प्रारंभ हो गया, हम तो इस चिड़िया को प्रारंभ हो गया, उसको है क्षमा। हमने क्षमा मांग ली, वो क्षमा नहीं, वो चिड़िया किसी से क्षमा मांगती नहीं, लेकिन उसको है क्षमा। हम जानवरों से भी गए बीते। एक बार तो मस्तक नीचा हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। ऐसी उत्तम क्षमा का प्रारंभ उस सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन के तो बहुत गीत गाए, मूल है वो तो। मूल किसको कहते हैं कि जिसके होने पर वृक्ष होता है फिर वृक्ष हरा भरा रहता। ये धर्म का मूल सम्यक दर्शन और चारित्र वास्तविक धर्म, उस सम्यक की प्राप्ति आज इस उत्तम क्षमा के दिन हमको हो, ऐसी भावना निरंतर करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना नहीं होगी। जगत में चित्तवृत्तियां उलझी हो, ज्ञान जगत में उलझा हो, रात और दिन व्यवसाय, रात और दिन व्यवसाय, व्यवसाय के इधर व्यवसाय करता जा रहा है उधर दिवाला होता जा रहा है। अरे ये तेरे अधिकार क्षेत्र की चीज नहीं है, तेरे अधिकार क्षेत्र की चीज होती तो दिवाला नहीं होता। इसको छोड़ दे एक बार तो, यहां से चित्त को हटा ही दे, ये स्वतः ही होता है, अपने आप ही होता है। सब विकल्प आए बिना नहीं रहते। अरे वो विकल्प यदि आते भी हैं तो ये इसने तो जान लिया है रहस्य शुद्ध चैतन्य को जानकर, इसलिए वो विकल्प आए लेकिन पराए हैं सारे और पर के संबंध में आए हैं। इसलिए वो पराई चीज भी पराई, वो धन भी पराया और धन के संबंध में होने वाले विकल्प भी पराए। ये समाधान हो गया, उस विकल्प में भी नहीं उलझा। इस तरह उत्तम क्षमा वो गीत में आया ना, एक गीत में समकित बिना जीव जगत भट क्यों दर्शन बिना, समकित बिना जीव जगत भट क्यों दर्शन बिना,
नरक निगोद में तू फिर आयो, नरक निगोद में तू फिर आयो। तो प्रभु जी का चरणा में जात क्यों दर्शन बिना, नरक निगोद में तू फिर आयो। तो प्रभु जी का चरणा में जात क्यों दर्शन बिना, दर्शन बिना जीव जगत बट क्यों समकित बिना। कितना सुंदर है। अरे सारे जगह घूम कर आया नरक और निगोद में सम्यक के बिना, और फिर क्या हुआ? कह रहे भगवान अरंत की का सानिध्य भी मिल गया तो भगवान अरंत में अटक गया। वही मिथ्यात्व जो निगोद में था, वही मिथ्यात्व भगवान मिल जाने पर भी ज्यों का त्यों रहा। हे भगवान, आप ही हैं सब कुछ, आप ही तारने वाले, मैं तो पामर हूं, मेरे में तो शक्ति नहीं है, आप ही तारने वाले हैं, बस इतना एकांत ऐसा मानता। अरे कहे तो सही, कहे भक्ति में तो ऐसा आता है, भक्ति में तो कर्ता कर्म भाव आए बिना रहता ही नहीं, लेकिन वो कर्ता कर्म भाव का पाप नहीं है, व्यवहार है। तो भक्ति में तो ये कर्ता कर्म भाव आने पर भी ज्ञानी है, वे जानते हैं अरे भगवान, भगवान से अगर मुक्ति मिलेगी तो फिर भगवान का एहसान मंद रहूंगा हमेशा, तो निराकुलता कहां होगी। लेकिन इसने क्या किया कि इधर उधर सारी जगत में घूमकर भगवान में जाकर कि भगवान में अटक गया। भगवान भी अटकने की वस्तु, भक्ति करो लीनता पूर्वक करो, हे जानकर भगवान भी कुछ देने वाला, क्यों दें भगवान, मेरे पास क्या कमी है कि भगवान दे। मैं अरे मैं जब करोड़पति हूं और वो भी करोड़पति है तो मैं उससे मांगू, ये बात कहां बनती है, ये कहां बनी ये बात। जब भगवान भी अरबपति और मैं भी अरबपति, क्यों इस तरह भगवान के चरणों में भी न अटक कर भक्ति भले ही लीनता पूर्वक करे, लेकिन सचमुच भगवान भी अन्य है, परद्रव्य है, और उनमें मेरा कुछ नहीं है, कुछ देने लेने वाले नहीं है, ऐसा जानकर चैतन्य की ओर झांके, उसका नाम उत्तम क्षमा। इसमें मैं किसी को क्षमा करूं अथवा कोई मुझे क्षमा करे, ये दोनों प्रकार के विकल्पों का अभाव, ये विकल्प का अभाव हो तब न उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा तो संकट निर्जरा है, और ये तो पुण्यमंद है, इसमें तो बंद होता है, विकल्प ही ना हो, और वो विकल्प मुनिराज को नहीं होता। न गर्मी का जलती हुई शिलाओं का पता है, और न बरसात का, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और टप टप ठंडा पानी गिर रहा है, चारों ओर पानी फैल रहा है, और जंगल के जीव जंतु वो शरीर पर चढ़ रहे और डांस और मच्छर खा रहे हैं। क्या है ये, कोई पत्थर है क्या है, दुनिया तो ये सोचती है, अरे ये पाषाण है या जीव है, ये क्या है। कहते हैं इसको ही जीव कहते हैं कि जिसको न डांस लगता न मच्छर लगता, जिसको न शीत न गर्म, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे मुनिराज जो परिश है, परिश सहना, कोई ऐसा मानता हो मुनि बनकर, मुनिराज बनकर मैं परिश सहन करता हूं, ऐसा चैतन्य के दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, आत्म दर्शन के बिना अगर कोई ऐसा मानता है मैं परिश सहन करता हूं,
वो तो अज्ञानी है। अरे मुनि हो तो क्या हो, ये तो शास्त्र में कोई पक्षपात होता है क्या? भगवान की वाणी में पक्षपात होगा? कहते वो तो ऐसा मानता है, जब चैतन्य का कुछ बिगड़ता ही नहीं तो वो मानता है मैं परिचय सहन करता। इसका अर्थ यह है कि परिचय से मेरा नुकसान होता है और आत्मा का नुकसान कभी होता नहीं। इसी तरह उपसर्ग, उपसर्ग होते हैं तब क्या है? हमें तो दया दया कहते हैं हम तो, कि मुनिराज के प्रति दया होती है या भक्ति होती है? अरे दया आना चाहिए, दया आना चाहिए, दया दया के पात्र हैं मुनिराज। दया के पात्र तो ये दुखी जीव होते हैं जगत के, वो तो भक्ति के पात्र हैं, हमारी भक्ति के। लेकिन उस भक्ति में भी, भक्ति में भले ही ये भाव आवे, अरे कितना उपद्रव, कितना उपसर्ग, कितना। पर ज्ञानी अगर है और वो मुनिराज का स्वरूप समझता है तो वो ये जानता है कि मुनिराज को इतना उपसर्ग, इतना उपद्रव होने पर भी सिंह खा रहा हो, तो इतना उपद्रव होने पर भी मुनिराज को दुख नहीं होता, क्योंकि मुनिराज तो भीतर रहते हैं। भीतर कहाँ है मुनिराज? ये नग्न शरीर है, ये नग्न शरीर, ये मांसल शरीर, ये मुनिराज है। कहते हैं उस चैतन्य के साथ रहता है और इस प्रकार का व्यवहार होता है तो कहते हैं मुनिराज। वास्तव में मुनिराज तो उस शरीर के भीतर बैठे कि जिनको वो उपसर्ग छूता ही नहीं है। इधर जगत, अज्ञानी जगत ये जानता है कितने कष्ट हो रहा है, अरे कितने मूर्ख हैं लोग इनको सता रहे हैं, और उधर मुनिराज भीतर से आनंद के, आनंद का अमृत पी रहे। पूछो उनसे आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं, और उपसर्ग करने वाले के प्रति जहां ध्यान से थोड़ा सा हिल चिगे, उपसर्ग करने वाले के प्रति कहते हैं धर्म वृद्धि, जरा भी देश नहीं। अरे उपसर्ग हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं मेरा, तो मुझे इसका विचार ही क्यों, इसके प्रति मैं क्या विचार करूं कि इसने कोई उपसर्ग किया मेरे। जो ये मानते हैं मुनिराज होकर भी कि मेरे ऊपर उपसर्ग होता है, और जिन्होंने उस शुद्ध चैतन्य को कि जिस पर उपसर्ग होता ही नहीं, उसको देखा नहीं, वो वास्तविक मुनिराज नहीं कहलाते। पढ़ लो अष्टपाउड, सब मिल जाएगा अष्टपाउड में, सारा स्वरूप मिल जाएगा। ये मुनि निंदा है क्या या प्रशंसा है? अरे मान से मान उपद्रव, जगत के कहे जाने वाले उपद्रव, देखे जाने पर भी जो निरंतर आनंद का अमृत पीते हैं, ये प्रशंसा है या निंदा है? प्रशंसा है। जिन्होंने चैतन्य को देख लिया वे ये कैसे मान सकते हैं कि मेरे ऊपर उपद्रव होता? अरे यहां तो कोई आता ही नहीं, आया ही नहीं, आज तो देखा ही नहीं कि कोई आया, कोई नहीं आता, मेरे भीतर आया ही नहीं आता। उसका नाम क्षमा वाणी, उत्तम क्षमा, उसको कहते हैं उत्तम क्षमा। उस परिणाम का नाम उत्तम क्षमा, और उस चैतन्य तत्व का नाम उत्तम क्षमा, वो है क्षमा वास्तव, जो हिलता ही नहीं पृथ्वी की तरह, चाहे अंगार डालो चाहे बर्फ डालो, दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसा एक अद्भुत दिन ये महापर्व के बाद आता है, और महापर्व का प्रारंभ और समापन दोनों ही इस उत्तम क्षमा में होता है। ऐसी उत्तम क्षमा, व्यवहार क्षमा के साथ ये सच्ची उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन को लेकर, सम्यक ज्ञान को लेकर, और हम भी मुनिराज बनने की निरंतर भावना रखते हुए उस वास्तविक उत्तम क्षमा के पात्र बने, ये आज के दिन का मंगलमय संदेश है।